देख लो भैया देख लो, बाराबंकी पुलिस भाई साहब बतानी ताबड़तोड़ कार्रवाई करे की अपराधियों में हड़कम मच गया, बकायदा कलेजा फूला। जरा पूछो ना भैया, भाई साहब अभिषेक ओझा रिपोर्ट में लेके देखो भैया देखो, थाना बटुपुर पुलिस ने एक साथ रवि को गिरफ्तार किया, कब्जे से भाई साहब एक तमंचा में कारतूस बरामद हुई है। अगर घर भाई साहब मैठे जनपदारी कहा बताए, रायगंज थाना क्षेत्र पड़ता भाई साहब, वहाँ पर एटीएम का उद्घाटन होना था, बैंक ऑफ बड़ोड़ा खोले, पूछो ना भैया। शाखा प्रबंधक भाई साहब संजय सिंह बकायदा पीता वीता काट रहे थे, एटीएम की पूजा अर्चना हो रही थी, शुभारंभ हो रहा। अब मैठी से भाई साहब दूसरी बड़ी खबर सुनते जाए, कहा बता कलेजा दहल जाएगा, 25 वर्षीय भाई साहब सुरेश का फांसी के फंदे से लटकता हुआ सब मिला, पेड़ में देख लो भैया आम की बगिया थी, कहा बताए कलेजा दहल गया। भैया पुलिस वालों को सूचना मिली तो मौके पर भाई साहब स्थानीय पुलिस पहुंची, पूरा मामला भाई साहब थाना बाजार क्षेत्र का है, हमार तो कलेजा दहल उठा धक धक कर रहा था कि आम के बगिया भाई साहब सुबह सुबह जैसे ही लोगों ने देखा स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, फिलहाल भाई साहब सबको उतारा गया जेसीबी लगा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार्रवाई में जुटी पुलिस। अब भैया आपको सच कभी नगर लिए चलते, कहा बता भाई साहब जिला ऐसा है और तहसील भाई साहब और रिया पड़ती है, इतना परेशान है दादा कि पूछो ना भैया, स्टेप स्टेप सब कुछ हो चुका है, कार्रवाई के निर्देश थे तो भाई साहब जमीन न छूट रही है और परेशान अलग से बेटा मारा गया है, इनकी समस्या सुनोगे भैया तो कलेजा फट जाएगा, रो पड़ोगे कि देखो कोई सुनने वाला नहीं है। उसको और हटवाया जाए, हमारी जमीन पर हमें कब्जा दिलवाया जाए, उसका जो अतिक्रमण किया अवैध कब्जा कर रहा है, दीवार हटाई जाए और हमारा तो कब्जरी जमीन है। कबीर नगर के भाई साहब तहसील जो औरैया पड़ती वहाँ के एसडीएम साहब जानते होंगे कौन सी दादा की समस्या है, अगर भाई साहब देख रहे हो तो कार्रवाई कर दीजिए, बहुत है परेशान। पर फिलहाल भाई साहब इस तरह की दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल एक रिपोर्ट।